आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। उन दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचैले कपड़े पहनती थीं। वे स्यापा करती थीं और रोती रहती थीं। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था। वे भी मैले कुचैले कपड़े पहने रहती और रोती रहती थीं। परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोकलाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वह आत्मिक सुख में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाली अनेकानेक माताओं के जीवन में इस प्रकार के कई सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहु बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन किया करती थीं। कई तो जेवरों से लदी रहती थीं और अन्य बहुत सी जीभा के स्वाद के वशीभूत थीं। धनाढ्य लोगों के घर में नौकर ही खाना बनाते थे और बाकी के सारे काम भी किया करते थे। परंतु अब जो कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आई थी, उन्होंने फैशन करना तथा स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया और वे घर का सारा कामकाज भी अपने हाथों से करने लगी। अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश करने की शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव श्रृंगार से उठ गया। अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में, लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें कि अन्य कोई तोड़ न सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली की यह ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपनी बहु बेटियों और माताओं कन्याओं को सत्संग में भेजने लगे। इस प्रकार हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ उठा रहे थे। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी भी थी, जिनका नाम था राधे। वे बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुईं। वे अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आती थीं। वो अपनी शोभा और गुणों से देवी सी लगती थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर आकर साकार हुई हैं। वे बहुत ही शिष्ट, प्रतिभाशालिनी एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थीं। वे अपने स्कूल में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थीं। वे वीणा वादन में भी कुशल हस्त थीं और गायन कला में भी अलौकिक थीं। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में उन्हें संसारिक सुख तुच्छ प्रतीत हुए। उन्होंने शीघ्र ही यह निर्णय किया कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करेंगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञान अमृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करने में लगा देंगी। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि यह ज्ञान सर्वोत्तम है। दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि ये कोई निराले व्यक्ति हैं, जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा है, जिनके नैनों में एक अलौकिक मस्ती है और जिनकी ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण है कि सुनने वाले देह की सुध भूलकर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया, जिसकी कुछ पंक्तियां आप सुनिए। ओ मंडलीय माँ वन्नी होते मु छा डिठो, सखियों मु वन्नी छा डिठो, ओम संदे शुद्ध मंत्र जो तीर संदो आलाप आहे, बुधंदे मन शीतल थियो, पाटो मींजो गम जो चिठो, सखियों मु वन्नी छा डिठो। इसका भावार्थ यह है, ऐ सखियों, मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। सखियों, उस सुख का भी मैं कैसे वर्णन करूं। वहां ओम का जो अलौकिक आलाप हो रहा था, वह ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लगा कि मेरा मन शीतल हो गया और मेरे गम के चिट्ठों का अंत हो गया।
इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मधुर स्वर में गाया, उसे सुनते ही सभी लोग खुशी में झूमने लगे। जब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू नहीं किया था, तब एक बार दादा की लौकिक पत्नी जसोदा को साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि श्री राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेंगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी, परंतु इसका अर्थ वे समझ न सकी। अब जब वह ईश्वरीय सत्संग में आने लगी तो बाबा ने समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधे का बहुत ही अच्छा ऊंचा पार्ट है और ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राजयोग के अभ्यास के फलस्वरूप आने वाली सतयुगी सृष्टि में वे श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगी। और ऐसा ही हुआ। वह बाबा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती, उसे धारण करके वे ऐसी अच्छी तरह से समझाती कि सभी को बहुत हर्ष होता। कुछ ही समय के बाद सबके मन से ये बोल निकलने लगे थे, योगिन प्यारी ऋषि कुमारी, ज्ञान की बंसी बजाए, ओम राधे विदेह मुक्त बनाए, सरस्वती प्यारी ब्रह्मा कुमारी, गीता की मुरली बजाए, महतारी ओम के अर्थ टिकाए, मोह ममता की फांसी से अब जिया मेरा घबराए, पांच विकारों की आग लगी है स्वास व्यर्था जाए, माता गंगा जल बरसाए, अम्बा प्यारी ज्ञान भंडारी, ज्ञाना अमृत पिलाए, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता विदेह मुक्त बनाए। अब जैसे लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे थे, वैसे ही दादा अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे। क्योंकि दादा को इस कहावत में विश्वास था कि खैरात घर से शुरू होनी चाहिए, यानी चैरिटी बिगिंस एट होम। दादा की धर्मपत्नी और बहू तो पहले से ही धर्मपरायण और भक्ति भाव से भरपूर थीं। वे दोनों ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को आत्मनिष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर थीं। इसलिए अब दादा का ध्यान विशेष तौर पर अपनी बड़ी पुत्री की ओर गया। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले वाले जीवन काल में दादा ने उस पुत्री की शादी सिंध में एक बहुत ही नामवार और धनाढ्य मुखी घराने में की थी। अब ज्ञान प्राप्ति और दिव्य साक्षात्कारों के बाद दादा को सदा यह ख्याल आता कि मैंने ही अज्ञान काल में उसे काम वासना के संबंध में बांध दिया था, गोया इस जीवन में मैं ही उसके पतन के निमित्त बना था। अतः मेरा ही यह कर्तव्य है कि मैं उसे भी पवित्रता के मार्ग पर ले आऊं। आखिर दादा का यह शुभ संकल्प पूरा हुआ। उसके बारे में दादा की उसी बड़ी पुत्री, जो कि निर्मल शांता के नाम से प्रसिद्ध थी और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका थी, उन्होंने उसके विषय में बताया है। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति से पहले भी बाबा अथवा पिताश्री का जीवन सचमुच राजाई ठाट और भक्ति से पूर्ण था। इसलिए बाबा ने मेरा विवाह बहुत ही धूमधाम से मुखियों के घर कराया। मेरे ससुराल में सांसारिक सुखों की कोई कमी नहीं थी, मैं उन्हीं सुखों में ही मस्त रहती थी। मुझे भक्ति पूजा की ओर कोई विशेष खिंचाव नहीं होता था। जब मैं कन्या थी और बाबा के पास रहती थी, तब भी बहुत ही सुखी जीवन था। बाबा किसी भी चीज की कमी नहीं रखते थे और बहुत ही प्यार से पालते थे। परंतु जब पिताश्री में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई, तो मैंने देखा कि अब बाबा का हमारी ओर पहले जैसा लगाव और ध्यान नहीं था। मुझे ऐसा लगता कि अब हमारे बाबा एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए तो एक विरक्त साधु ही बन गए हैं। अब मैं जब भी अपने लौकिक माता पिता से मिलती, तो वे दोनों मुझे ज्ञान ही सुनाते थे। उनके मन में मेरे कल्याण की भावना थी। वे सोचते थे कि यह भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े, यह क्यों ईश्वरीय आनंद से वंचित रहे। आखिर एक दिन उनकी इस शुभ भावना की विजय हुई। उस दिन कोई त्योहार था और बाबा ने मुझे भोजन के लिए घर बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची, तो मैंने देखा कि कुछ माताएं कन्याएं ज्ञान सुना रही थीं और उनमें से कुछ एक ध्यानावस्था में रास कर रही थीं। वह रास पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु मैंने देखा कि जो महिलाएं रास कर रही थीं, उन सभी से मैं अच्छी तरह परिचित थी। रास करने वाली माताओं को और उनकी अद्भुत रास को देखकर मेरे मन में यह संकल्प आया कि जिस प्रकार की दिव्य रास ये इस समय कर रही हैं, यह तो इस कला का कोई विशेषज्ञ भी शायद नहीं कर सकेगा। ये माताएं जिन्होंने कभी ऐसा ढंग रंग सीखा ही नहीं, इसे इस अलौकिक रीति से कैसे कर पा रही हैं?
हो न हो इस समय ये इस संसार के भान में नहीं है और दिव्य चक्षु द्वारा श्री कृष्ण और देवलोक की कोई रास देखते हुए ही उसी तन्मयता से रास कर रही हैं। उनकी मुद्राएं और हाव भाव ऐसे थे कि जिन्हें वे संसारिक स्थिति में हजार मिन्नते किए जाने पर भी नहीं कर सकती थी। उनके मुख पर शांति, प्रभु प्रेम तथा सात्विकता की ऐसी रेखाएं दिख रही थी जिन पर मेरी दृष्टि पड़ने से मेरा मन बोल उठा कि ये अवश्य ही प्रभु मिलन का सुख लूट कर कृतार्थ हो रही हैं। जब वे ध्यानावस्था से कुछ नीचे उतरी तो मैंने अनुभव सुनने की इच्छा प्रकट की। उनमें से एक को मैंने निवेदन किया तो देखा कि अभी तक वह उसी मस्ती में थी और उस सुख का रसा स्वादन करते हुए वाणी तक में नहीं लौटना चाह रही थी। उन्होंने धीमी सी आवाज में केवल इतना ही कहा, कल बताऊंगी। मुझे उसका अनुभव सुनने की इच्छा थी, इसलिए जाते समय मैंने बाबा को कहा, बाबा कल कार भेज देना, मैं फिर से आऊंगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, कल देखा जाएगा। मुझे यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, बाबा आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा ने कहा, बच्ची अपना विचार तो कार भेजने का ही है, परंतु बच्ची कल देखो क्या होता है। मैं बहुत नाजों से पली थी, कभी मैंने बाबा के मुख से ऐसा उत्तर नहीं सुना था। अज्ञानता के नशे में मुझे बहुत क्रोध आया, मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ है। पहले मैं बाबा से यदि आकाश के तारे भी मांगती तो बाबा उन्हें भी ले आते, वे मना नहीं करते, और आज मैं सिर्फ कार भेजने के लिए कह रही हूं तो बाबा ऐसा उत्तर दे रहे हैं। मैं कार में बैठकर ससुराल जा रही थी, बाबा भी मेरे साथ बैठे थे, वे मुझे छोड़ने जा रहे थे। उतरते समय मैंने उसी क्रोध की लहर में कहा, बाबा आप कार मत भेजिएगा, मैं कल नहीं आऊंगी। मुझे याद है तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा था, बच्ची क्या तुम यह जान सकती हो कि कल क्या होगा? मैंने कहा, आखिर कल क्या होगा, ये कल देखेंगे। ससुराल में पहुंचकर मैं रात्रि को सो गई। कोई 2-2.5 बजे होंगे कि मैंने अचानक ही देखा कि बहुत तेज लाइट है और बाबा सामने खड़े हैं। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ यह आगे सुनिए। इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।